उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे आपके दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है, इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में बाद रखे। तो जी मेरी आप सबसे आती है अल्लाह पाक जो बेउलाद दे, जिनके पास घर नहीं अल्लाह पाक उनको घर दे, जो बीमार अल्लाह पाक उनको शफा दे, जो इस वक्त देश परदेश में है मेरे बहन भाई सब हंसते मुस्कुराते रहे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रहे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं शाम की रूटीन से, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, आपसे सभी शाम की रूटीन शेयर करूंगी, जिस तरह की शाम का जो खाना दाना आता है। बिलाल भी मुझे तंग कर रहा था, आप लोगों ने मेरे साथ रहना। ये तो मैंने शाम के मंजे भी सिलन करे थे, तो आप देख लें बिलाल और सुबह ने सभी फिर भी कर दिए हैं, और डॉगी भी हमारे घर आया हुआ है। और देखे मैंने पंखा भी निकाल लिया है, और आज एक मैं और आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें हमारे चीज़ें, ये इनकी हमने थोड़ी सी ना दो लकड़ियाँ लगाई हुई हैं ताकि आसानी से बैठ जाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा ताकि हवा वो लगे तो आसानी से बैठ जाए। ये इनकी जगह जी। तो मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ाई हुई है, तो अभी मैंने दाल भिगो कर रख दी है, और ये सारा जो मैं मसाला है अभी मैंने काटना है। आज वैसे मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, पता नहीं क्या बात है, तबीयत आजकल मेरी ठीक नहीं रहती है, बस इसी टेंशन में लगी रहती हूँ। आपसे ये भी मैं शेयर करूँगी, मैं दाल इसमें डाल रही हूँ। मुझे जो बॉइल दाल होती है ना वो बहुत पसंद है, तड़के वाली नहीं है। मैं लहदा से ना लहसुन और अदरक का तड़का लगाती हूँ, थोड़ा सा ना बीच में सफ़ेद जीरा डालती हूँ। तो आप लोगों के जो अमीर लोग होते हैं वो तो तरह तरह की दालें बनाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब जो है ना दाल ये जो है ना उबालनी दाल और तड़का वैसे साथ ही लगा लेते हैं। तो ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है। अभी साथ ही मैंने ये मसाला भी काटना है, तो फिर मैं बाद में इसमें डालूंगी। बहुत यकीन करें बहुत ही लेट हो गई है, तो इसीलिए मैं खड़े होकर जल्दी जल्दी से काट लूँ जी। कर अच्छा क्या हो गया, टूट गया है भाई ने तोड़ा है। अच्छा भाई ने तोड़ा है, अच्छा भाई ने तोड़ा है, रख दो वो भी तोड़ दिया है। मुझे कह रहा मम्मा भाई ने ऐसे भी जो पाव रखते हैं ब्रेक वाला जो है ना तोड़ दिया है। मैं देख लू छोटी छोटी आजकल स्कीन माने कितने समझदार हो गए। अभी आप इधर रख दो, पापा से कह देंगे वो बनवा लेंगे, मोटरसाइकिल जो है ना खराब हो गई है। तो आगे ना नहीं करो, ये जो दाल और मसाला लेकर आए ये भी स्किन मैंने पैदल दिया, तो पैदल लेकर आया। अच्छा जी दाल में मैंने सभी चीजें डाल दी हैं और चढ़ा दी इसके ऊपर, तो अब अल्लाह पाक खैर करे, आग भी जल रही है, तो मौसम भी खराब है, बहुत ही साथ ही परेशान हूँ। अल्लाह पाक खैर करे जल्दी जल्दी से मेरा खाना बन जाए। आप देख लो सूरज बिल्कुल ग्रूप हो गया और शाम बिल्कुल हो गई है, तो बिलाल साहब और शान बिल्कुल खेल रहे हैं। अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ। मैंने दाल चढ़ाने से पहले ही आटा गूंद लिया था, क्योंकि बिलाल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मैंने आज आटा गूंद लिया है। तो मैंने कहा चलो कुछ आसानी हो जाए, ताकि आप देख सकते हो अभी भी वो दोनों जो है ना शरारती बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग करते हैं, तो शुक्र है वो खेल रहे हैं जी। आप तो मेरी बेहतरीन आग लग रही है। आज मैंने इमरान से थोड़ा सा झगड़ा किया है, मैंने कहा खुदा के लिए मुझे थोड़ी सी मोटी लकड़ी लगा कर ला कर दें, ताकि मुझे ना आसानी हो हांडी रोटी करने में। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह उसका भी भला करे, मुझे 10 किलो उन्होंने लकड़ियाँ ले आ कर दी हैं, ले आए थे बेचारे कहीं से। मैंने आज थोड़ा सा उनके साथ ना गुस्सा किया। हाय कैटो, बहुत ही प्यारे हैं, हमारे घर आए हुए, लेकिन बिलाल देख रहे हैं। बिलाल की यही कोशिश है, नहीं करो नहीं करो सुबह नहीं करो, वो बेचारी खेल रही है, नहीं करो नहीं करो, वो डर रही है, नहीं करो। लाल अच्छा आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता अभी खाना भी मुकम्मल होगा या नहीं। जल्दी जल्दी से मैं जो है ना रोटी बना लू। अच्छा टांड इकट्ठी कर लू, इधर टांड पहले इकट्ठी कर लेती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे तंग किया ना तो मैं इस डंडे से आपकी पिटाई करूंगी, ठीक है? आगे से हंसी नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, मुझे तंग कर लेते हैं। मेरी तो वैसे भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है घर पे। कपड़े धो लिए थे, कुछ मैंने उतार ली जी। दाल तो मेरी तैयार हो गई है, माजरत चाहती हूँ आज बहुत ही लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी, मैंने ब्लॉग बनाना हर सूरत में। तो हम खाना देने लगी वो भी आपसे शेयर करूंगी।
बिलाल को प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, पानी पी रहा है। अभी मैं पानी नीम गर्म सा मैं इनको भेजती हूँ, बर्फ़ लेके आते हैं। सवेरा लेटी हुई है खाने के इंतज़ार में, अभी मैं सब बच्चों को खाना देती हूँ। जी प्यास लगी हुई थी क्योंकि रोटी मैंने अभी बनाई है तो बहुत गर्मी थी, साथ ही प्यास लगी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर पहले पानी पी लेती हूँ। तो अभी मैं बच्चों को खाना देने लगी हूँ। हाय कैटो भी हमारे यहाँ आ गई है, तो अभी मैं कह रही चले वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्यारा सा उर्दू में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही जिस वक्त मेरे बहन भाई न्यू है हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ के बाद, बाय बाय।